जानकी जी से बोलो बड़े हैं भाई बड़े राम जी जानकी जी से बड़े हैं और खड़े भी हैं बड़े हैं और खड़े अरे अड़े भी हैं झुके नहीं अड़े राम जी बड़े खड़े अड़े माला कैसे पड़े माला कैसे पड़े जानकी जी मां लेकर खड़ी सामने राम जी को देख रही है राम जी जानकी जी को देख रहे हैं समय व्यतीत हो रहा है इशारा करती है प्रभु जरा झुक जाओ ना माला कैसे पड़ेगी राम जी कहते क्यों झुक जाए हैं जानती हो हम सूर्य वंशी क्षत्रिय हैं प्राण जाए पर वचन न जाए उस खानदान के हम झुकने वाले नहीं हैं और अभी विवाह नहीं हुआ है पहले में झुक जाए हम आपके सामने क्यों झुके जानकी जी ने कहा तो माला कैसे पड़ेगी राम जी ने कहा मुझे नहीं पता है समय व्यतीत हुआ विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण हाँ गुरुदेव बेटा तुम ही कोई उपाय कर दो ताकि माला पड़ जाए लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव हम क्या कर सकते हैं अने कहा तू शेष का अवतार है तेरे फण पर पृथ्वी है पृथ्वी को उठाओ ना लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव पृथ्वी को अगर उठाऊंगा तो सारी पृथ्वी उठेगी असमांतर तो बना रहेगा अब ये थोड़ा है कि जितने में जानकी जी खड़ी है फोड़ करके उठा साष्टांग प्रणाम करने लगे और जैसे प्रणाम किया श्री राम जी झुक करके पीठ को थपथपाया आशीर्वाद दिया और उसी समय जानकी जी को मिला मौका सिए जय माल राम और उसी क्षण जानकी जी ने श्री राम जी को माला पहना लगे कि धन्य है लखन बड़ा चालाक है तू चतुर है अगर तू साथ में ना आया होता तो ये माला कैसे पड़ती भाई तो राम जी मुस्कुराने लगे राम जी को देख करके जानकी जी मुस्कुराने लगी जानकी जी को देख लखन जी मुस्कुराने लगे सारा समाज मुस्कुरा रहा है क्योंकि स्वाभाविक गुण है जब कोई मुस्कुराता है तो सामने वाले को मुस्कुराहट आ जाती है राम सिया के मधुर मिलन से राम सिया के मधुर मिलन से फुलवरिया मुस्काए कोयलिया कजरी गाए
Thank you.